हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना वायरस बीमारी के मरीजों की संख्या करीब 1200 तक पहुंची, मरने वालों की संख्या 25 से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा, देश में अब तक कोरोना के 38,500 टेस्ट हुए हैं, कल 3,500 टेस्ट किए गए। दिल्ली के निजामुद्दीन में 200 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लक्षण मिले, सभी को आइसोलेट किया गया, धार्मिक कार्यक्रम में हुए थे शामिल। निजामुद्दीन से कोरोना के संदिग्ध मरीजों को हटाने के बाद इलाके में नाकेबंदी, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। देश में सबसे सख्त लॉकडाउन इंदौर में लागू, 1 अप्रैल तक सब बंद, दूध की दुकान भी नहीं खुलेंगी, मामले बढ़ने के बाद ऐसी सख्ती हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नगर निगम ड्रोन से दवाई का कर रहा है छिड़काव, सोडियम हाइपोक्लोराइड से कोरोना वायरस मरता है। यूपी के कई शहरों से गांवों की तरफ पलायन जारी है, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बसों की छत और ट्रकों में भरकर जाते दिखे लोग। डीटीसी बस से यूपी बॉर्डर जा रहे 150 लोगों को पुलिस ने रोका, दिल्ली के टैगोर गार्डन स्कूल में इन लोगों को रखा गया। दिल्ली से पैदल चलकर यूपी पहुंचे मजदूर और लोगों को प्रशासन रख रहा है अलग, यूपी के इटावा में गांव के बाहर बनाया गया कैंप। मुंबई पुलिस ने 2 ट्रकों में छिपकर अपने गांव जा रहे 59 लोगों को पकड़ा, ट्रक चालकों पर केस दर्ज किया गया। गुजरात के सूरत से पलायन कर रहे मजदूरों ने पुलिस पर किया हमला, गांव जाने से रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। पंजाब के लुधियाना से आई डराने वाली तस्वीरें, कोरोना इन्फेक्शन के डर के बीच भी सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखी, यहां सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लॉकडाउन के बीच सब्जी दुकान लगाने पर पुलिस ने दुकानदारों पर लाठीचार्ज किया। हरियाणा के फरीदाबाद में दुकानदारों ने जरूरी चीजें महंगे में बेची तो पुलिस ने सड़क पर दुकानदार से लगवाई उठक बैठक। दिल्ली के एम्स के कर्मचारियों की बस का वीडियो वायरल, बस में कर्मचारियों की भारी भीड़ देखी, इंतजामों पर उठे सवाल। यूपी के ग्रेटर नोएडा से आई भूखे बच्चों की तस्वीरें, बैंक कर्मचारियों ने खाना बांटा तो बच्चों की लाइन लग गई। लखनऊ के हज हाउस में भी पलायन कर रहे मजदूरों को पकड़ कर रखा गया है, 1,000 मजदूर यहां हैं, कोरोना वायरस को लेकर हिदायत भी दी गई। यूपी के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के लिए सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के सामा में बीएसएफ जवानों ने एलओसी के पास लोगों को खाने का सामान बांटा। गुजरात के गोधरा में किन्नरों ने जरूरतमंद लोगों की मदद की, गरीब लोगों को पैकेट बंद खाना बांटा। तमिलनाडु के रामानाथापुरम में सैनिटाइजर नहीं मिला तो गांव वालों ने नीम के पेड़ की पत्तियों का पानी बनाकर गांव में छिड़काव किया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर नेपाल के नागरिक फंसे हैं, पुल नहीं खोले जाने से नहीं निकल पा रहे हैं नेपाली मजदूर, आज गुस्से में मजदूरों ने नारेबाजी की। कोरोना की वजह से मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को दी सुविधा, फ्री सर्विस, वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी की समय सीमा बढ़ाई गई। कर्फ्यू के बीच चंडीगढ़ में एक घर में घुस गया तेंदुआ, सेक्टर 5 की घटना, ड्रोन कैमरे के साथ ऑपरेशन चलाकर तेंदुए को पकड़ा गया। चीन के झेंजू में पहाड़ टूटने से ट्रेन हादसा हुआ, पटरी से उतर गए कई डिब्बे, 125 से ज्यादा लोग घायल, 1 की मौत। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।